गुड मॉर्निंग, मैं दीदी की यहाँ की मेड हूँ। मैं आज बच्चों को बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, बोले यार मुझे आलू बंडा खाना है, तो आज मैं आलू बंडा उनको बना के खिला रही हूँ। और बच्चों को गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है हमारे, आज हमने गाजर का हलवा भी बनाया है बच्चों के लिए। बच्चे मेरे बहुत प्यार से खाते हैं वो, और खाने के बहुत शौकीन है वो, इसलिए मैं उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बना के मैं उनको खिलाती हूँ। ये मैं अपनी दो मेरी दीदी हैं, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, ये गर्मी वाले कपड़ों का कर लीजिए, बता दीजिए वहीं गए थे। ये लेकिन गर्मी में इसको नहीं पहना। हाँ भाई, हम सोच रहे ये चाहिए, यही ले। हाँ यही ले भैया। ठीक है, फ्रेंड्स मैं कथा सुनने गई थी जैसा कि आपको बताया था, तो वहाँ से कथा जैसे ख़त्म हुई बहुत अच्छा लगा सुन के, किशोर जी के मुखारविंद सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत भीड़ थी तो अच्छा भी लगा। तो हम लोग करीब वहाँ से 6 बजे आए, फिर हम लोग कुछ सामान चाहिए था घर का, खासकर पूजा का, समर वेकेशन, भगवान के कपड़े लेने थे, तो वे सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ मैं क्या क्या भगवान के समर के कपड़े लेके आई हूँ। ये देखिए, ये ब्लू में है, सैटरडे। ये मैं वार के हिसाब से लड्डू गोपाल को पहनाती हूँ, तो ये सैटरडे के हिसाब से है, ये ब्लू में है। और ये ग्रीन वेडनेसडे, ये वेडनेसडे को पहनाती हूँ मैं। और ये वाइट, और देखिए ये कि ये वाइट भी है मंडे के हिसाब से, एक है दो ये है, और ये पीला है थर्सडे के हिसाब से। बाकी वाइट ही है पहले की रखी है। ये मेरे लिए खास जयपुर से आए हुए हैं, ये देखिए हाथों के बने हुए हैं वो, पता नहीं चला। ये देखिए इस तरह, ये वाइट कलर में कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए इस तरह, ये ओढ़नी है। और मैं आपको बता दूं कि ये किसने भेजे हैं, जो हमारी बड़ी भाभी जी हैं उनकी तक लेके आया था, मेरा भतीजा है वो, तो आज ही दे गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को। और कुछ ये घर, ये जब कोई भेजता है तो बहुत खुशी होती है, ये हाथों के बने हुए हैं, ये इसकी ओढ़नी इस तरह, ये एक ये पर्पल में है। और कुछ कपड़े मेरे, ये बॉक्स भी मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल के कपड़े रखने के लिए, दो लड्डू गोपाल हैं तो इसलिए मैं डबल डबल कपड़े लेती हूँ। ये तो शालिग्राम भगवान के हैं कपड़े, ये भी शालिग्राम के, ये देखिए जैसे कि अभी दिखाया उसी हिसाब से मैं एक, ये भी ब्लू में है, ये एक ग्रीन का है, ये वाइट हो गया। ये पगड़ी भी गर्मी के हिसाब से होली के लिए, होली के दिन मैं पहनाऊंगी लड्डू गोपाल को। और इनके अंडर गारमेंट्स, ये इसका है, देखिए दिखा दूँ आपको, इसको इस तरह शालिग्राम भगवान जी को पहना देते हैं, हमें तो पता ही नहीं। एक ये, और ये कि ग्रीन में, एक ये भी है, और ये कि रेड में है, ये शुक्रवार को पहना देते हैं। एक ब्लू ये भी है, ये देखिए, और ये क्या है,
ये रानी कलर में है, ये देखिए बहुत सुंदर लगा। तो मैंने जो मार्केट से उनकी दुकान शॉप बताऊंगी उनका नाम भी, जहाँ से मैं लेकर आती हूँ, उनकी बहुत अच्छी शॉप है और रेट भी उनके सही रहते, कपड़े कभी ख़राब नहीं निकलते हैं। और मैं आपको एक और बताती हूँ, ये कपड़ी वाली क्लिप है, क्योंकि अब गर्मी में कपड़े हवा चलेगी तो उड़ते हैं, तो इसलिए। और ये बिंदी थी दो पैकेट, देखिए। और ये फेस वॉश है स्क्रब वाला, और ये सेफ्टी पेन है, आजकल पीतल में भी आने लगे हैं। और ये एक नेल पेंट लेके आई थी, लेना तो मैं इस तरह लेना था, पर वहाँ उसके यहाँ मिली नहीं शॉप में, तो मैं इसी को ले लिया। और ये क्लचर है कुछ ये, और ये भी लाई थी, क्या बोलना चाहिए इसको, बॉक्स रखने के लिए। और क्लचर तो और भी हैं, हमने दीपिका ने दोनों लिए हैं, तो छोटी बिंदी लगाती है। इस तरह और एक कुछ ये दीपिका ने भी लिए थे, ये बाथरूम फ्रेशनर है। और ये सर्फ एक्सल लाई थी, जरूरत पड़ती थी, खट्टा सामान आ जाता है। और ये सेफ वॉश है, ये भी सेफ वॉश है। ये कंडीशनर है, ये देखिए पेंटिन का। ये शैम्पू है, और ये मैं एक डस्टबिन लाई थी पूजा में, पूजा के लिए, जो भी फूल भगवान के उतारते हैं इसी में रख देते हैं। और ये किए पेंटिन कपड़े वाले। मेरी मम्मा मार्केट गई थी, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे हेयर बैंड्स लाए हैं, जैसे कि ये एक फ्लावर वाला हेयर बैंड है, और ये एक मिनी माउस वाला है, और ये स्मॉल फर वाला हेयर बैंड है, और ये बिग फर वाला, और ये एक फ्लावर सिल्वर कलर के बहुत सारे मेटल वाले फ्लावर बने हुए हैं, और ये बीट्स वाला हेयर बैंड है, और ये मेरे पास दो पम पम वाले हेयर बैंड्स है, एक ये वाइट कलर का है और एक ये रेड कलर का है, और ये ग्रीन कलर के हेयर बैंड है, और ये येलो कलर का हेयर बैंड है, और ये थोड़ा ग्रे कलर का है जिसमें बहुत सारे पम पम लगे हुए हैं। वन इस बैग में मेरे रबर बैंड्स हैं, क्लिप हैं, और कुछ कुछ नेल पॉलिश भी हैं। तो ये मेरे पास हर कलर के रबर बैंड्स हैं, वो फर में है, एक है ये लाइट ग्रीन कलर का, ये ब्लैक कलर का, ये ऑरेंज कलर का, और ये पिंक कलर का, और ये है लाइट पिंक कलर का, और ये है ब्राउन कलर का, और ये है बड़ा वाला वाइट कलर का, और ये है ये येलो कलर का, और ये है ग्रे कलर का, और ये है लाइट ब्लू कलर का, और ये ग्रे का ये अलग वाला पॉम्पम वाला है, और ये भी पॉम्पम वाला है, इसमें वाइट बीट्स लगे हुए हैं, और ये छोटा फर का वाइट कलर का है, और ये डेली वाले रबर्स हैं सब, और ये रोज़ कलर, और ये रोज़ वाला रबर है। इसमें मेरे बहुत सारे क्लिप्स रखे हैं, जैसे कि ये ग्रे कलर के फर में जिसमें पिंक कलर का एलिफेंट बना हुआ है, और ये एक मिनी माउस वाली है जिसमें ब्लू कलर के डॉट्स बने हुए हैं, और ये ऐसी ग्लिटर वाला है, और ये स्ट्रॉबेरी है रेड स्ट्रॉबेरी, और ये पिंक स्ट्रॉबेरी क्लिप है, और ये सेम ब्लू कलर का ग्लिटर इसके अंदर है, और ये दो क्लिप्स हैं, और ये लाइट पिंक कलर की ग्लिटर वाली क्लिप है,
और ये कलरफुल क्लिप्स हैं, और ये बहुत पिंक है, और ये पिंक फ्लावर वाली क्लिप है, और वही इसका सेट है ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये एक फ्लावर वाली क्लिप है और एक कॉटन कैंडी वाली क्लिप है। थैंक यू। करने शरारती बच्चा है मेरा, इग्नोर करिएगा इसे, जैसे कुछ कुछ शैतानी करता रहता है, तो आप लोग यदि एंजॉय करना चाहते तो कर सकते हैं, एक कॉमेडियन है एक तरह से। अब ये विंटर के कपड़े में लड्डू गोपाल के, अब मैं इनको वॉश करके रख दूँगी, इसलिए मैंने ये अलग कर दी है। देखिए छोटे छोटे से हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, तो इनको धुल करके इनको पैक करके रख दूँगी अगले सीजन तक के लिए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत भीड़ थी, और हमेशा इनको टीवी में देखती थी मैंने, ने कभी इनको मिस नहीं किया, और मेरा सपना ये पूरा हुआ। हम लोगों को पास मिला हुआ था, हम लोगों ने पास लिया था, तो एकदम पास से जाकर उनको देखने को भी मिला, पास के थ्रू पास से देखा। और मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इसकी हो रही है कि मैं जय किशोर जी को एकदम पास से लाइव देख के आई हूँ, उनको सुन के आई हूँ। मेरी बहुत दिली इच्छा थी काफ़ी समय से कि मैं इनको लाइव जाकर इनको सुनूँ। कपड़े में लड्डू गोपाल के, अब मैं इनको वॉश करके रख दूँगी, इसलिए मैंने ये अलग कर दी है। देखिए छोटे छोटे से हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, तो इनको धुल करके इनको पैक करके रख दूँगी।